इमाम ज़हबी ने सिरगिरला में नुबला में सनद के साथ लिखा कि एक बंदा आया हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास और कहते अखबिरनी अन अबी बकर, मुझे अबू बकर के बारे में बताओ। देखो आल की एहतियातें। आपने फरमाया पहले सवाल तो सही कर, कैसे सही करूं? अनिसिद्दीक तसअलू, वो अबू बकर सिद्दीक उनके बारे में पूछ रहे हो, तुम क्यों नहीं सिद्दीक कहते उनको, क्यों तुमने सिर्फ अबू बकर कहा? ये होते हैं सैयद कि देखते हैं कि आने वाला किस स्टेशन से बोल रहा है। ये होते हैं उलमा। आपको महसूस हुआ, वरना हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो को सिर्फ अबू बकर भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर सिद्दीक बोलने से नफरत ना हो, सिद्दीक बोलने से एलर्जी ना होती हो, तो सिर्फ अबू बकर भी कहा जा सकता, क्योंकि आगे गुफ्तगू में खुद भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अबू बकर ही सिर्फ कहा आगे जाकर बाद में, लेकिन यहां डट गए। यानी सिद्दीक तसल्लु, वो जो सिद्दीक हैं उनके बारे में पूछ रहे हो। सिद्दीक का लफ्ज ही सारे इतराजों का जवाब है। जिसने किसी के बाग खाए हों सिद्दीक उनको नहीं कहते। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अनिसिद्दीक तसअलू, वो जो सिद्दीक हैं, मतलब है जो हर घड़ी में सच बोले तब सिद्दीक बनता है। तो वो बंदा वाकई अंदर से मरीज था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की निगाहें बड़ी तेज थी, वो फट गया। अब उसका एक्शन देखो, तो सम्मी है सिद्दीका, ज़ैनुल आबिदीन तुम भी उसको सिद्दीक कहते हो। यानी इतना उसने प्रेशर डाला कि अगर तुम सिद्दीक कह दोगे तो हमारे फदक वाले किससे किधर जाएंगे। तो आपने कहा मुंह बंद कर, सम्मा हो सिद्दीकन मन हुआ खैर मिन्नी, कब मेरे कहने से सिद्दीक नहीं बने कि मैं चुप कर गया तूने सिद्दीक कोई नहीं कहेगा। जो मुझसे करोड़ बार अफजल हैं, अबू बकर को तो वो भी सिद्दीक कहते हैं। कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल अंसार वल मुहाजिरून, ये सारे उनको सिद्दीक कहते हैं। अब आगे जो तकरीर है वो सिर्फ मौला अली का पोता ही कर सकता है, हम सिर्फ रवायत कर सकते हैं, वो गारंटी नहीं दे सकते जो वो उन्होंने दी, और दूसरी किसी फिरके का अकीदा अफोर्ड ही नहीं करता उन लफ्जों को, ना खवारिज का ना रवाफिज का। कमाल ये है हबलुल्लाह का कि सारा दीन बयान करने के लिए भी जमीर सुन्नी होना चाहिए। क्या बोले? फ़ाज़हब फ़अहिब अबा बकर व उमर, यहां अब खुद अबू बकर कहा, ऐज़हब अहिब अबा बकर व उमर व तवल्लाहुमा, फरमा जा प्यार कर अबू बकर उमर से। यह है अली के घराने का सबक। पहले था सिद्दीक के घराने का सबक, मौला अली के घराने, वो उनके पोते का सबक। तकरीर क्या है? दादा जी से पड़ी हुई का ऐज़हब फ़अहिब अबा बकर व उमर व तवल्लाहुमा, प्यार कर इन दोनों से, और सिर्फ प्यार नहीं, प्यार इतना बढ़े कि तू दीवाना बन जाए इनके प्यार में, वलाए सिद्दीक उमर में मस्त हो जा। फिर अगली बात है जो मौला अली के बेटे की जुबान ही गारंटी दे सकती है, कहा मेरे कहने पे इनसे प्यार कर, और अगर तेरे दिल में कोई खलश हो, तुझे किसी ने ऐसी तकरीरें सुनाई हुई हों कि ये तो बड़े फुलां थे, इनसे प्यार करने से तो बंदे को जन्नत नहीं मिलती, मा कान मिन शैइन फफीउनों की, क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे तक किसी चौकी के फरिश्तों ने तुझे रोका, छुड़ाना ज़ैनुल आबिदीन का काम है।